ये आप देख सकते हैं, ये हमारे नूरा भाई है और इनको काफ़ी ज़बरदस्त बकरे पालने का शौक़ है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर इन्होंने मेंढों को बड़ा ही तरबियत के साथ तैयार किया है और माशाल्लाह ये मेंढे इनके देख सकते हैं। और इनमें एक मेंढे की खासियत ये भी है कि इनके मेंढे के देख सकते हैं यहाँ पर, ये देखें एक तरफ यहाँ देखिए अल्लाह लिखा हुआ है और दूसरी तरफ जो है ये देखिए इस तरफ यहाँ देखिए ये मोहम्मद लिखा हुआ है। और माशाल्लाह इन्होंने काफ़ी मेहनत के साथ इन बच्चों को तैयार किया है साल भर के लिए। और काफ़ी लोग इनसे कहते हैं कि भाई ये बकरा आप हमें दे दें, लेकिन ये अल्लाह की राह में ख़ुद कुर्बानी करेंगे इन बकरों की। माशाल्लाह हमारे नूरा भाई है ये, और काफ़ी मेहनत इनकी लगी है। हमारे नूरा भाई ये सामने है। हाँ तो नूरा भाई आप बताएं कि इन बकरों को मेंढों को पालने में आपको क्या क्या चीज़ आप इनको खिलाते हैं और क्या खिलाने में तो जो है लूम है दाना है ये खिलाते हैं भाई। इनका टाइम पे होती है फरमा कि बच्चे 6-6 महीने के बच्चे हैं, ये 6-6 महीने के बच्चे हैं सिर्फ। और आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितने भारी बच्चे हैं ये। और इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा चीज़ जिससे कि जल्दी तैयार होता हो तो वो कोई? ये दाना जो नाच चना ये मिलता रहता है इनको, ये चीज़ें तो ये काफ़ी फेमस है जयपुर के अंदर। ये हमारे नूरा भाई हैं और ये काफ़ी शुरू से ही बकरों को पालने का इनको काफ़ी अच्छा शौक रहा है। कोई देख सकते हैं ये 6 महीने के बच्चे हैं और इनमें से एक खासियत वाला बच्चा जो है आपको मैंने दिखा दिया है, उस पर एक तरफ अल्लाह और एक तरफ मोहम्मद लिखा हुआ है। और माशाल्लाह देखिए कितना प्यारा बच्चा है ये, और सिर्फ ये शौक के लिए पाल रखे हैं भाई, ये कोई सेल करने के लिए नहीं है, ये ना कि बेचते हैं, ये सिर्फ शौक के लिए अल्लाह की राह में ख़ुद कुर्बानी करते हैं। तो माशाल्लाह इनके पास छोटे छोटे बच्चे और भी काफ़ी बकरे ये पालते हैं अपने घर पर, वहाँ की मैं वीडियो आपको बना के दिखाऊँगा इनके घर जाकर।